भाई ये हमें हम बोल रहे हैं कि सिंध एक है तो पॉलिसी भी एक होनी चाहिए, जहां पर 33 पर हार्ड एरिया करके 17 तालकात को पास किया गया है। हम बोल रहे हैं सिंध एक है तो एक पॉलिसी करें, हमें भी 33 पर पास करके हमें हमारा हक दिया जाए। हम सिंध के राहक हुए, हम कहीं और से नहीं आए हैं। बाहर के इलाके वालों को यहाँ पर डोमिसाइल भी बन रहे हैं, उनको जॉब भी मिल रही है, लेकिन हमें हमारा सिंधियों को हक नहीं मिल रहा। हम सरदार शाह को और मुराद अली शाह को पुरजोर अपील कर करके हम आज थक गए हैं। हम 9 दिन से बैठे हुए हैं, यकीन करेंगे हम भूख हड़ताल पर। हमारे दो भाई पहले से ही हॉस्पिटल में हैं, मेरी खुद तबीयत इतनी खराब है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भूखे मरने से बेहतर है कि मैं खुद यहाँ पर मर जाऊँ। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे मर जाए भूखे। मेरे हस्बैंड की भी जॉब नहीं है, उनकी उम्र निकल गई है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले। मेरे ये 2-4 जो साल बचे हैं अभी, वो मुझे अभी ये लड़कियों के लिए एक प्रोफेशनल ये टीचिंग का ऐसा है कि हर सहूलत से अच्छा होता है। घर भी संभालती हैं, टीचिंग भी करती हैं। हम पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, ये नहीं कि जाहिल हैं कोई ऐसे हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमें पास करके हमें हमारा हक दिया जाए, ताकि हम अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दें, उनको भूखा ना मारें। पॉलिसी के खिलाफ बैठे हैं, जिस तरह उन्होंने 18 अपनी मनपसंद इलाकों को 18 तहसील को 33 पे पास किया है, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमें भी 33 पे पास किया जाए, क्योंकि ये हमारा हक है। और सिंध एक है तो पॉलिसी भी एक ही होनी चाहिए, डबल पॉलिसी के खिलाफ हमारा। अरे